सम्मानित सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं बहुत गर्व के साथ ये सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार का और मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा लगातार 8वां बजट है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तैयार किए गए और इस सदन द्वारा पास किए गए पिछले 7 बजट्स की बदौलत आज दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनसे आज देश के कई राज्य सरकारें देश के कई राज्यों की सरकारें प्रेरणा ले रही हैं। स्कूल बने हैं, नए विश्वविद्यालय बने हैं, अस्पताल बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है और करीब 75% घरों में बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो और बसेस का खूब विस्तार हुआ है, सड़कों और मेट्रो लाइन का नेटवर्क बढ़ा है। दिल्ली की गली गली में CCTV कैमरे लगाकर अपराध रोकने में और महिला सुरक्षा की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। युवाओं के लिए फ्री वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं यहां से पिछले 7 जो बजट पास हुए उनसे डेवलप हुई हैं। सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी जैसी अभूतपूर्व सुविधा की शुरुआत यहां से हुई, जिसमें लोग सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटते, सरकारी दफ्तर का कर्मचारी लोगों के चक्कर काटता है। यह अद्भुत शुरुआत दिल्ली में हुई। सरकारी दफ्तर में जिस काम के लिए आम आदमी को धक्के खाने पड़ते थे, कोई दलाल ढूंढना पड़ता था और उसको रिश्वत दे के काम करवाना पड़ता था, आज वो काम सिर्फ एक फोन करने पे घर बैठे हो रहा है। ये करिश्मा भी दिल्ली वासियों ने पिछले 7 साल में दिल्ली में देखा है। इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले 7 बजट के सफल क्रियान्वयन के चलते पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों और संस्थानों में, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं कि इस सदन में पिछले 7 बजट के फलस्वरूप, उसके सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है। दिल्ली में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है पिछले 7 साल में। इसमें से 51,307 नौकरियां तो पक्की सरकारी नौकरियां हैं और जो पिछले 7 साल में ये 51,307 नौकरियां पिछले 7 साल में DSSB की परीक्षा लेके दी गई हैं। और यहां अध्यक्ष महोदय, ये भी जानना जरूरी होगा कि इसके हमसे पहले 2015 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक 2000 में कहूंगा 13 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक ना के बराबर नौकरी दी गई। उन्होंने सरकारी नौकरी देने के लिए जो DSSB का परीक्षा तंत्र था उसको पूरी तरह ठप करके रखा हुआ था। मुझको याद है कि 2013-14 में 49 दिन के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस वक्त DSSB की जिम्मेदारी मेरे पास में थी। मैंने उस वक्त DSSB के अधिकारियों को एक हफ्ते तक 49 दिन में लगभग मैंने एक हफ्ते तक मीटिंग की कि भाई नौकरियां क्यों नहीं मिल रही लोगों को, ये नौकरी सरकारी पद इतने खाली क्यों पड़े। मैंने उनसे प्लान बना के लाने को कहा। अपनी उस वक्त की क्षमता के अनुसार DSSB के अधिकारी मेरे सामने एक प्लान लेके आए। मैंने उनसे पूछा कि उस प्लान के हिसाब से जितनी वैकेंसीज हैं वो कितने समय में भर जाएंगी, तो उन्होंने खुद बोला कि 38 साल लगेंगे उन नौकरियों को भरने में। ये सारी नौकरियां जो 51,307 नौकरियां भरी गई हैं उस वक्त मुझे बताया गया 38 साल लगेंगे, लेकिन उस वक्त हमने जो भी क्षमता उनकी बढ़ा सकते थे बढ़ाई। और आज बहुत गर्व हो रहा है मुझे 7 साल बाद कि DSSB ने अपने काम की जब स्पीड पकड़ी तो 7 साल में दिल्ली में 51,307 युवाओं को नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां। इन पक्की सरकारी नौकरियों के साथ साथ दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में करीब 2,500 पक्की नौकरी दी गई, अस्पतालों में करीब 3,000 पक्की नौकरी दी गई और 7 साल के दौरान 25,000 नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया। इसी तरह करीब 50,000 नौकरियां सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए भी रखी गई, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से दी गई। तो मात्र 7 साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के
अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। और यह तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कही मैंने, उससे जुड़े हुए संस्थानों की बात कही। पिछले 7 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज में डेवलपमेंट हुआ, एक ईमानदार सरकार काम कर रही है, व्यापार के लिए ट्रेडर्स के लिए जीरो टैक्स पॉलिसी, जीरो रेट पॉलिसी लागू की गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा दी गई प्राइवेट सेक्टर, इसकी इस सब की वजह से प्राइवेट सेक्टर और खासतौर से लघु और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं वो खूब फले फूले हैं दिल्ली में, और उससे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब में खूब बढ़ोतरी हुई है। इसका एक नतीजा हमें देखने को मिला कि दिल्ली रोजगार पोर्टल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर शुरू हुआ कोविड के ठीक बाद, उसमें प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां तो केवल कोविड के बाद के समय में हमको देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 साल में इस सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों और योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, और यही वजह है कि 7 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए दूरदर्शी निवेश के कारण कोविड महामारी के बीच भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए संभल पाई क्योंकि कोविड से पहले वर्षों में यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पे काफी निवेश किया गया था। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट स्टाफ, नए बेड्स, वेंटिलेटर और बाकी उपकरण की कमी इसलिए नहीं हुई, या हुई तो बहुत कम कमी रही, क्योंकि कोविड के पहले के 5 साल में इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किए गए उन सब में स्वास्थ्य के क्षेत्र पे बहुत समझदारी से और प्राथमिकता के आधार पे निवेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी से तो हम निपट लिए, लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि पूरे देश में भी और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और व्यापार को कोविड में बहुत नुकसान हुआ। तत्काल राहत के लिए पिछले 2 साल में पीड़ित और जरूरतमंद परिवारों और लोगों को वित्तीय सहायता, अनुदान राशि, राशन, भोजन आदि की व्यवस्था कुछ करके फौरी मदद तो की गई, लेकिन फौरी मदद तो फौरी मदद होती है। इस सदन में अपने आठवें बजट में मैं दिल्ली वासियों के लिए नए रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को कोविड, जीएसटी, नोटबंदी जैसे तमाम कारणों से पिछले सालों में हुए नुकसान से उबरने का एक एजेंडा लेके आया हूं। इससे व्यापार और उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार के नए नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट में प्रस्तुत योजनाओं और प्रस्तावों से न केवल दिल्ली के युवाओं को उद्यमशीलता के नए अवसर मिलेंगे बल्कि पहले से स्थापित उद्यम और व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी समृद्ध होंगे। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया, इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया, पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया, आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। यह हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे, और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है, सुदृढ़ बनाना है, ये तो है ही। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को
सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा में दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूं। कोविड की 5 लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उबर रही है और इसके चलते दिल्ली का GSDP प्रचलित बाजार मूल्यों पर वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। यह 17.65% वृद्धि का संकेत है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021-22 में दिल्ली की GSDP की वास्तविक वृद्धि दर 10.23% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 8.9% की होने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी दिल्ली में उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो GDP है उसमें दिल्ली के GSDP का योगदान 2011-12 में 3.94% था, उससे बढ़ के इस साल 21-22 में 4.21% हो गया है, जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.52% है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मेन योगदान सेवा क्षेत्र का है और प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य मूल वर्धन में इसका योगदान 83.94% है दिल्ली में सर्विस सेक्टर का, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 13.78% और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.28% है। 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,01,982 रुपए होने की संभावना है। 2020-21 में यह 3,44,136 रुपए थी। 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 16.81% की बढ़ोतरी होने वाली है। वर्ष 21-22 के लिए दिल्ली की पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत 1,49,848 रुपए से 2.7 times ज्यादा है। 2020-21 के दौरान दिल्ली के GSDP में प्रचलित मूल्यों में 1.09% और वास्तविक मूल्यों पर 3.86% का संकुचन उसका श्रृंख होना COVID-19 महामारी और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रतिबद्ध उपायों को असर दर्शाते हैं। हालांकि अग्रिम अनुमानों का संकेत है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 21-22 में प्रचलित मूल्यों पर 17.65% और स्थिर मूल्यों पर 10.23% की बढ़ोतरी होगी। अब मैं इस साल के लिए करंट ईयर के लिए संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रख रहा हूं। 2021-22 के लिए पूरा जो हमने बजट रखा था 69,000 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट की अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में मैं 67,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। 67,000 करोड़ का प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2020-21 में 52,468 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय से 27.70% अधिक है। संशोधित अनुमान राशि 67,000 करोड़ रुपए में राजस्व व्यय के लिए 50,862 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 16,138 करोड़ रुपए शामिल हैं। पूंजीगत बजट 2021-22 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान के 17,201 करोड़ रुपए से कम होकर संशोधित अनुमान में 16,138 करोड़ रुपए का हो गया है। यह मुख्यतः कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बाद पूंजीगत कार्यों की धीमी गति के कारण है। स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 2021-22 के अनुमोदित बजट अनुमान 31,200 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान में 32,400 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा मुख्य रूप से कोविड नियंत्रण संबंधी व्यय के कारण है। स्कीम प्रोजेक्ट्स के लिए संशोधित अनुमान 21-22 में 34,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अनुमोदित बजट अनुमान में यह 37,800 करोड़ रुपए था पिछले साल, इस साल करंट ईयर का। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, महोदय, वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों में 468.22 करोड़ रुपए की पूरक अनुदान मांग की आवश्यकता होगी। इसके लिए पूरक अनुदान मांगों के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अब मैं अगले वित्त वर्ष के लिए कुछ बजट अनुमान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारी सरकार सत्ता में आने से पहले, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल व्यय 2014-15 के दौरान 30,940 करोड़ रुपए था। मैंने जून 2015 में 41,149 करोड़ रुपए के अनुमान व्यय के साथ अपना पहला बजट पेश किया था और मुझे खुशी हो रही है
2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट है। यहाँ पर अगले साल के लिए 75,800 करोड़ का बजट है, जो 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में ढाई गुना है। तो तब से लेकर अब तक ढाई गुना आगे आ चुके हैं। 75,800 करोड़ रुपए के बजट में 32,000 करोड़ रुपए स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध व्यय के लिए, 43,600 करोड़ रुपए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए हैं। 75,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 2022-23 में राजस्व के तहत 53,687 करोड़ रुपए और पूंजीगत परिव्यय के तहत 22,113 करोड़ रुपए शामिल हैं। 21-22 के बजट अनुमान के खर्च में 17,201 करोड़ रुपए पूंजीगत मद के तहत और 51,799 करोड़ रुपए राजस्व के अंतर्गत थे। 21-22 की तुलना में 22-23 में पूंजीगत बजट में 29% की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व व्यय में केवल 4% की वृद्धि हुई है। इससे समझ में आता है कि सरकार चलाने का और सरकार के काम के खर्चे में जो हमारी रेशो है वो बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा 2022-23 में प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय 22,113 करोड़ रुपए है, जो 14-15 के 7,430 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय से लगभग तीन गुना है। 2022-23 का प्रस्तावित बजट अनुमान 75,800 करोड़ रुपए, 21-22 के बजट अनुमान 69,000 करोड़ रुपए से 9.86% और संशोधित अनुमान से 13.13% अधिक है। वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण 47,700 करोड़ रुपए राजस्व से आएंगे, 1,000 करोड़ रुपए गैर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए हमेशा की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 10,000 करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 802 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 10,000 करोड़ रुपए जीएसटी प्रतिपूर्ति से, 1,621 करोड़ रुपए प्रायोजित योजनाओं से, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से, और केवल 643 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से, और बाकी प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस से आएगी। स्थानीय निकायों में वित्तीय सहयोग के बारे में, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,374 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें से 2,305 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रम, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रूप में होंगे और 2,069 रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट के रूप में होंगे। इसके अलावा 1,780 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों को स्टैंप और पंजीकरण शुल्क में हिस्से और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार हमारी सरकार बजट अनुमान 2022-23 में स्थानीय निकायों को 6,154 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय सहयोग दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष 20 लाख नई नौकरियों वाले रोजगार बजट के महत्वपूर्ण खंड को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की और उससे रोजगार के लाखों अवसर पैदा होने की योजनाओं को रखूंगा। अर्थव्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, चाहे दिल्ली की हो या पूरे देश की, उसकी तरक्की का रास्ता अधिक से अधिक लोगों के हाथ में रोजगार देने से खुलता है। अगर दिल्ली के आंकड़ों को हम देखें तो हम पाते हैं कि दिल्ली की, ये महत्वपूर्ण एनालिसिस एक मैंने किया है इस बजट में रखने के लिए, जब मैं रोजगार बजट लेके आया हूं आपके पास, अगर दिल्ली के डेटा को हम देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली की 1,68,00,000 की आबादी में से केवल 55,87,000 लोगों के पास कोई रोजगार है। यानी हमारी दिल्ली में केवल एक तिहाई आबादी के हाथ में कोई रोजगार है। इस तरह हमारी एक तिहाई आबादी के ऊपर बाकी की दो तिहाई आबादी की जिंदगी चलाने का भी उसके कंधों पर जिम्मेदारी है। और दिल्ली के आंकड़ों की तुलना अगर हम लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क जैसे शहरों से करें तो हम देखते हैं कि लंदन की आबादी 90,00,000 है, इसमें से 51,60,000 लोग रोजगार करते हैं। यानी लंदन में 58% लोगों के पास में रोजगार है, वहां की 58% आबादी के पास रोजगार है। न्यूयॉर्क की आबादी 88,00,000 लोग हैं, उसमें से 46,25,000 लोगों के पास में, यानी कि करीब 52.6% आबादी के पास में न्यूयॉर्क में रोजगार है। सिंगापुर की आबादी आज 55,00,000 है और इसमें से 36,43,000 लोगों के पास में रोजगार है, यानी कि 67% लोगों के पास रोजगार है। तो हम देखें तो लंदन में 58% लोगों के पास रोजगार है, न्यूयॉर्क में
52% से ज्यादा लोगों के पास रोजगार है। सिंगापुर में 67% लोगों के पास रोजगार है। दिल्ली में 33% लोगों के पास में रोजगार है। तो इसी से अर्थव्यवस्था को आगे खोलने का, इस डेटा को हम समझेंगे और कहां फंसी हुई है पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमी उसको समझेंगे तो इससे आगे बढ़ने का रास्ता हमको यहीं से समझ में आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिल्ली की वर्किंग पॉपुलेशन का वर्तमान में, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 33% है वर्तमान में, इससे बढ़ा के अगले 5 साल में हमारा टारगेट है कि ये 45% तक चली जाए। हम कोई ड्रीम नहीं रख रहे कि अचानक ये 67% हो जाएगी, 68% हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। तो मैं जो योजना इस बजट में लेके आया हूं उससे हमारी पूरी योजना यह है कि अगले 5 साल में ये वर्किंग पॉपुलेशन 33% से बढ़ के 45% हो जाए। यानी दिल्ली के कुल जो 1,68,00,000 लोग की आबादी है और इसमें से अभी 56,00,000 लोग करीब अभी रोजगार करते हैं, हमारा मकसद है कि ये 56,00,000 लोग जो रोजगार करते हैं उनकी संख्या 76,00,000 हो जाए। इसलिए हमने 5 साल में 20,00,000 नए जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है।